Today, we will start Exercise Eight Point Three of Chapter Eight Simple and Compound Interest from ML Agarwal.

बोलिए बेटा पी ब्रैकेट वन प्लस आर बाई हंड्रेड पावर वन टी नॉट वन टी टी मीन साइन एन भी लिख सकते हैं टी भी लिख सकते हैं प्रिंसिपल फिफ्टीन थाउजेंड वन प्लस रेट टेन परसेंट टेन बाई हंड्रेड एंड टाइम इज टू इयर्स जीरो से जीरो बच्चे क्या करते हैं यहाँ हंड्रेड एलसीएम ले लेते हैं वो भी ठीक है बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है अगर ये ऊपर नीचे कुछ कट होता है तो काट देना है अब जीरो से जीरो कट रही थी तो काट दी वन बाय टेन टेन एलसीएम टेन प्लस वन अब टेन प्लस वन इलेवन बाई टेन इंटू इलेवन बाई टेन मल्टीप्लाई दीजो जीरो दो जीरो इंटू इलेवन इंटू इलेवन इलेवन इंटू इलेवन टवेंटी वन मल्टीप्लाई करो जीरो फिफ्टीन वन आर फिफ्टीन वन कैरी थर्टी थर्टी वन थ्री कैरी फिफ्टीन थ्री एटीन रुपी दिस वन दिस इज दउंट पहला हमारा आंसर आके नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट यस आराध्या कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल आएगा प्रिंसिपल बेटा ये याद रखने फॉर्मूला एमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट इज एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी एंड प्रिंसिपल इज फिफ्टीन थाउजेंड माइनस दीज टू

रुपी वन लैख थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी फॉर वन एंड हाफ ईयर एट एट परसेंट पर एनएम कंपाउंडेड हाफ ईयरली यहाँ देखो क्या लिखा था कंपाउंडेड एनुअली यहाँ क्या लिखा है कंपाउंडेड रेट आप को हाफ कर, कर देंगे और टाइम को डबल कर देंगे डबल कर देंगे रेट एट परसेंट पर एन अब हाफ ईयर देखो पर एन का भी नहीं वन ईयर का इंटरेस्ट एट परसेंट है तो हाफ ईयर का क्या होगा हाफ हो जाएगा ना एट टू से डिवाइड फोर फोर परसेंट हाफ ईयरली ऐसे हाफ ईयरली लिखना है हाफ ईयरली और सेमी एनुअली दैट इज द सेम थिंग अगर ये हाफ ईयरली नहीं डालोगे बेटा तो मार्क्स कट जाएंगे टाइम वन एंड हाफ ईयर इसको क्शन को सबसे पहले ओपन करो क्या आएगा सर थ्री बाई टू और ईयर है हाफ ईयर में चेंज करना है तो इन टू टू कर देंगे तो हाफ ठीक है ये प्रिंसिपल yes. अब फिर से अमाउंट एंड प्रिंसिपल इंटरेस्ट हैव टू फाइंड अमाउंट पी वन प्लस आर ओवर हंड्रेड टू पावर एन एन और टी नंबर ऑफ़ हाफ ईयर ठीक है वैल्यू पी पे पे मैं यहीं पे कर देता हूं एक बार रेट वैल्यूफिल अब ये कट हो रहा है तो काट दो बेटा थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी यहाँ एल आ जाएगा क्योंकि तो इसके नीचे वन के नीचे कुछ नहीं है तो है ना ट्वेंटी थ्री

रेट हाफ ईयरली लिखा हुआ है ना बेटा हाफ ईयरली में रेट को टू से डिवाइड कर देना ये टाइम ये और ये वैल्यू निकालनी है ये तो कैलकुलेट करना है और, और उसके बाद लास्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के इक्वल होगा अमाउंट जो हम यहां से फाइंड करेंगे माइनस प्रिंसिपल ये वाली वैल्यू समझ आ गया बेटा यस सर सेकेंड सम इट्स सो इजी सेकेंड सम में कुछ भी नहीं है क्या लिखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपी फोर्टी एट हंड्रेड तो फोर्टी एट हंड्रेड क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया फॉर टू ईयर टाइम क्या हो गया टू ईयर्स फाइव परसेंट पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फाइव परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रिकॉर्ड एनुअली सेमी एनुअली नहीं है एनुअली है तो यहां पे अगराज मुझे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए बेटा फास्टली अगराज यस सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बेटा सर पी फोर थाउजेंड एट पी इंटू फॉर्मूला पूछ रहा हूँ अपॉन हंड्रेड प्रिंसिपल फोर्टी एट हंड्रेड पी के प्लेस पे आर के प्लेस पे फाइव आ जाएगा टाइम के प्लेस पे टू आ जाएगा नीचे हंड्रेड जीरोस कट हो गई अब फाइव टू दिन टेन को फोर्टी एट से अगर आज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कंफ्यूज uh, four eight 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 eight, eight, eight. Eight. क्यों हो रहे हो कंफ्यूज नहीं होना कोई बात नहीं ये सिंपल इंटरेस्ट है अब उन्होंने फाइन करने के लिए क्या बोला था डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट यस अगर आज फॉर्मूला बता सकते हो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का सर uh, um, कोई बात नहीं और... एक बार अभी देख लो इसके बाद अगर One... ना बताया तो पिटूंगा तेरे को आके ठीक ठीक है वन प्लस आर ओवर हंड्रेड की पावर पॉवर्टी माइनस वन तो क्योंकि यहां पे अब अमाउंट नहीं निकाल रहे हम सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं अंडरस्टूड अब प्रिंसिपल वही सेम फोर्टी एट हंड्रेड स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट वन प्लस रेट फाइव परसेंट यूज करेंगे अपॉन हंड्रेड टाइम के प्लेस पे टू ईयर यूज करेंगे माइनस वन अब ये कैलकुलेशन है देखो 4800 एट एज लाइक स्क्वायर ब्रैकेट एज लाइक ये कट हो रहे हैं काट दो क्योंकि जितना हम इसको स्मॉलर करेंगे कैलकुलेशन को उतना ज्यादा इजी होगा 20 एलसीएम 20 प्लस वन होल की पावर टू माइनस वन फोर्टी और यहाँ पे बेटा ट्वेंटी वन स्क्वायर किया फोर 41 अपॉन 20 का स्क्वायर किया 400 माइनस वन तो 4800 एट हंड्रेड एलसीएम आ गया एलसी वी गेट 441 फोर्टी फोर्टी एट हंड्रेड माइनस किया बेटा फोर्टी वन अपॉन फोर हंड्रेड टू जीरो कंपाउंड इंटरेस्ट ये आ गया अब उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला था डिफरेंस नाउ यहां पे क्या लिख देंगे हम डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 492 आया सिंपल इंटरेस्ट 480 आया था माइनस किया रुपी ट्वेल्व इज द आंसर अंडरस्टूड समझ आ गया बेटा सिंपल था कुछ भी नहीं था तीनों चीजें गिवन है हमें पी आर टी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है वैल्यू फिल की कैलकुलेशन किया है अब कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दोगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ठीक है कंबाउंड इंटरेस्ट ये फॉर्मूला है बेटा यहाँ पी आर और टी uh, सारी वैल्यूज फिल की कैलकुलेट किया हमारे पास कंबाउंड इंटरेस्ट आ गया डिफरेंस इन दोनों को माइनस कर दिया डिफरेंस नाउ द नेक्स्ट सम थर्ड वन क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपी थ्री वन टू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपी दिस फॉर थ्री ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर आर फोर फाइव एंड सिक्स रिस्पेक्टिवली। जब अलग अलग फर्स्ट ईयर के लिए सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट दिया हो तो यस yes, अन्वेषा बता सकते हो बेटा क्या फॉर्मूला बताया था मैंने अन्वेशा और नो बेटा यस थ्री इयर्स है रेट वन फोर परसेंट पर एन एम रेट टू फाइव परसेंट पर एन एम एंड रेट थ्री सिक्स परसेंट पर है ना ये थ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है फर्स्ट फर्स्ट ईयर नो बेटा अभी विदाउट फॉर्मूला विदाउट विद फॉर्मूला करेंगे तो अमाउंट का बेटा फॉर्मूला सुन लो आपने आई थिंक मैंने बताया नहीं है प्रिंसिपल इनटू वन प्लस आर आर वन अपॉन हंड्रेड इनटू आर वन प्लस � वन प्लस आर वन अपॉन हंड्रेड की पावर कुछ नहीं है तो वन क्यों कुछ क्यों नहीं है क्योंकि वन फर्स्ट ईयर का था तो टाइम वन ईयर ही हुआ ना ये आर टू वन ईयर के लिए था यहाँ पे पावर वन आर थ्री भी वन ईयर के लिए था यहाँ पे और बीच में क्या साइन है मल्टीप्लाई साइन याद रहेगा बेटा ये फॉर्मूला अमाउंट का सेम फॉर्मूला यह बस तीन अलग अलग ब्रैकेट हां मान लो फोर परसेंट फर्स्ट टू ईयर के लिए होता तो पहली ब्रैकेट में पावर टू आ जाती दूसरी ब्रैकेट में ये आ जाता बस

यहां कट किया ट्वेंटी 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 प्लस वन यहां कट किया थ्री फिफ्टी फिफ्टीएम फिफ्टी प्लस अमाउंट एज लाइक थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इन टू ट्वेंटी सिक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी एंड फिफ्टी थ्री इसको कट करो ट्वेंटी फाइव के टेबल पे कट कर देते हैं वन यहाँ पे ट्वेंटी फाइव वन अब फिर से ट्वेंटी फाइव के टेबल पे कट कर दो यहाँ टू आ जाएगा यहाँ फाइव आ जाएगा फाइव से फोर आ गया मतलब ऊपर हमारे पास क्या बच गया ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी वन एंड फिफ्टी थ्री नीचे फोर इंटू टू हाँ एक और कट कर दो थर्टीन आ गया और कुछ नहीं कट हो रहा

फोर वन वन फोर फोर सिक्स नाइन अपॉन फोर अब इसको डेसिमल में करेंगे फोर थ्री जै ट्वेल्व ट्वेंटी फोर सिक्स फोर जैट ट्वेंटी फोर वन ट्वेंटी नाइन सेवन फोर जैट ट्वेंटी एट टू फाइव यही आया बेटा बोलिए अन्वेषा यही आया था बच्चे yes, अमाउंट आ गया अब उन्होंने पूछा क्या है अकेला अमाउंट ही पूछा द तो कंपाउंड इंटरेस्ट ना, ना कंपाउंड इंटरेस्ट अराध्या अब कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल लिखू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्योंकि अमाउंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 17.25 पॉइंट टू फाइव माइनस थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी टू फाइव एज लाइक सेवन में से फाइव गए टू आ गया यहाँ क्या बच गया इलेवन में से टू गए नाइन आ गया फाइव में से वन गए फोर आ गया दिस इज द कंबाउंड ये हमारा थर्ड सम कंप्लीट हो गया समझ आ गया बेटा सबको yes. देखो ये तो कैलकुलेशन है सारी ये तो अपने आप करने वाला पार्ट है तुम्हारा ये तो जितनी ज्यादा करोगे ना उतनी ज्यादा आ जाएगी हाँ ये फॉर्मूला ये लर्न करना पड़ेगा कुछ नहीं है बहुत इजी फार्मूला है रेट जब डिफरेंट दिए हो तो इस टाइप से होगा अंडरस्टूड नाउ द फोर्थ सम फोर्थ सम इज इंपॉर्टेंट वन एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर सम्स क्योंकि यहाँ पे एक नया चीज यूज होगा नया फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि अगर हम विदाउट यूजिंग करते हैं तो बहुत लेंथ हो जाएगा और इसको विद फॉर्मूला करना है तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा कैसे यहां देखिए कमला थाउजेंड फोर हंड्रेड फ्रॉम ए बैंक टू बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट पर एन एम कंपाउंडेड इयरली कंपाउंडेड पर एन एम और इज द सेम थिंग वट अमाउंट शी पे एट द एंडोर मंथ टाइम को फ्रैक्शन में आएगा टाइम और टाइम अगर फ्रैक्शन में आ गया तो पावर तो वो गड़बड़ हो जाएगी है ना टू क्लियर द लॉ तो यहां पे देखिए प्रिंसिपल रुपी ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड रेट इज फिफ्टीन परसेंट पर एन एम फॉर टाइम टू ईयर फोर मंथ्स इसको ईयर में कन्वर्ट करो टू फोर बाय ट्वेल्व ना अब इसको ना मिक्स एक्शन में ही रखना है फ्रैक्शन को ओपन नहीं करना क्योंकि टाइम फ्रैक्शन में है अगर हम पावर में फ्रैक्शन आ जाएगी तो उसको कट करना मुश्किल हो जाएगा तो उससे ज्यादा बेटर है हमारे हम तो पास ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड है ना अब टाइम में दो पार्ट्स है दो कौन कौन से पार्ट है एक इंटीग्रल पार्ट है और एक रैशनल पार्ट इंटीग्रल पार्ट एंड रैशनल पार्ट समझ आई बेटा मेरी बात टू पार्ट है ना ये सर नो यस सर ये सर वन प्लस रेट फिफ्टीन बाय हंड्रेड जो इंटीग्रल पार्ट है ना वो पावर में आ जाएगा नई ब्रैकेट शुरू होगी वन प्लस फिफ्टीन बाई हंड्रेड आर बाय्रेड जो इसका रैशनल पार्ट है टाइम का जो मैंने सर्कल कर दिया वो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ध्यान दो थोड़ा सा और पावर क्या आ जाएगी वन आ जाएगी ये अमाउंट फाइंड करने का मेथड है जब टाइम फ्रैक्शन में हो और पर एनम में बोला हो आया समझ बेटा ये चीज फिर से देख लो प्रिंसिपल ब्रैकेट वन प्लस आर ये वाली वैल्यू अपॉन हंड्रेड जो इसका इंटीग्रल पार्ट है टू है टू पावर आ जाएगी एक न्यू ब्रैकेट शुरू कर दी वन प्लस हंड्रेड जो इसका रैशनल पार्ट था टाइम का वो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर था तो वन ऊपर थ्री नीचे थ्री नीचे पावर क्या आ जाएगी वन आ जाएगी आया समझ बेटा ये लग गया पता अब आ गए बेटा अब ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड यहाँ पे फाइव के टेबल पे कट हो रहा है फाइव थ्री जार ट्वेंटी जार यहाँ ट्वेंटी एल आ गया ट्वेंटी प्लस थ्री होल टू पावर टू यहां पे बेटा थ्री फाइव फाइव से ये कट हो गया ट्वेंटी ठीक है तो यहां पे ट्वेंटी एलसीएम आ जाएगा ट्वेंटी प्लस वन पावर वन सॉरी यहाँ प्लस क्यों डाल दिया मल्टीप्लाई है 26,400 यहाँ पे बेटा क्या पावर ऐड हो के कितना बनेगा 23 23 अपऑन 20 इनटू 23 अपॉन 20 टू टाइम आएगा ना पावर टू है और यहां से क्या आ गया 21 ओवर 20 दो जीरोस तो सीधी कट कर दूँ यहाँ पे एक टू कट किया 132 दूसरा टू कट किया 66 और एक टू पे फिर काट दो थर्टी थ्री और कुछ नहीं कट रहा हमारे पास जो बच गया पहले मैं वो लिख रहा हूं ट्वेंटी थ्री इंटू ट्वेंटी थ्री इंटू ट्वेंटी वन अपॉन टेन ये आ गया बेटा हमारे पास ये आ गया अब इनको मल्टीप्लाई करो इन दोनों को कर लो इन दोनों को कर लो डेसिमल हम बाद में लगा दी थर्टी थ्री को ट्वेंटी थ्री से किया

टू ट्वेंटी टू एट नाइन सेवेंटी टू सेवन कैरी फोर्टी फोर्टी सेवन फोर कैरी सिक्स एट टू थर्टी थर्टीन टू फिफ्टी फाइव सिक्स नाइन पॉइंट सेवन हो जाएगा क्योंकि तो नीचे टेन पड़ा था ये आ गया बेटा हमारा अमाउंट अब पूछा क्या है उन्होंने अमाउंट ही पूछा था। ये हमारा आंसर है ठीक है बच्चे समझ आया ये फॉर्मूला क्या लगाया मैंने राध्या अन्वेषा जब टाइम फ्रैक्शन में हो पता चल गया कैसे करना है है नाउ द फिफ्थ सम अनिल बोरोड रुपी एटीन थाउजेंड फ्रॉम राकेश एट एट परसेंट पर एन एम सिंपल इंटरेस्ट फॉर टूर्सोरोस वाला सम किया था ना फाइन देंस बिटवी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम वही क्वेश्चन है लिखने का वे डिफरेंस दे दिया उन्होंने बोल दिया कि अनिल ने सिंपल इंटरेस्ट में मनी ली अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट में लेगा तो उसको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट वही सेम चीज करनी है यहाँ पे कर लोगे बेटा फिफ्थ सम में बोलिए बेटा थर्ड सेकंड सम की तरह है वहाँ सीधा बोल दिया था फाइंड द डिफरेंस यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया कंबाउंड मतलब पहले वो सिंपल इंटरेस्ट पे ले रहा था बट उसने अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले लिया तो कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा हो जाएगा ना अनवेशा हो जाएगा बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है।, हाँ है। ब्रेक हो रही है नहीं अभी ब्रेक हो रही है आवाज तो नहीं आज सिर्फ नेटवर्किंग प्रॉब्लम है मेरे एरिया में ओके okay. अनवेशा आवाज नहीं आ रही बेटा सम कर लोगे ना बेटा यस सर आज तू तो इतना लेट क्यों बोल रही है हैं अनवेशा सर यहां पे बहुत बारिश हो रही है वाईफाई में रेड लाइट जल रही है शायद इसीलिए नेट अच्छा? नहीं आ रहा है अनिल बोरो रुपी एटीन थाउजेंड फ्रॉम राकेश एट एट परसेंट पर एन एम सिंपल इंटरेस्ट फॉर टू ईयर तो हो गया मुकेश बैंक इफ द रेट को हाफ कर देंगे टाइम को डबल देख लो सिक्स सम करते हैं बेटा हम देखो मैं लाइन मार्के कर रहा हूँ यहां पे कंपाउंडेड एनुअली और यहां पे कंपाउंडेड हाफ ईयर ठीक है प्रिंसिपल कितना है रुपी सेवेंटी फाइव थाउजेंड है रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्वेल्व परसेंट पर एन एम है टाइम वन एंड हाफ ईयर और कंपाउंडेड एनुअली है ना तो रेट को भी यही यूज करेंगे और टाइम भी यही यूज करेंगे तो यहां पे अमाउंट अमाउंट फाइंड करनी है प्रिंसिपल सेवेंटी फाइव थाउजेंड फर्स्ट ब्रैकेट वन प्लस रेट ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड की पावर अन्वेषा कितना आएगा बेटा अन्वेषो यहां पावर कितना आएगा अगराज सर यहाँ पावर कितना आएगा बेटा सर टी वन टाइम में देखो दो पार्ट है ना एक इंटीग्रल पार्ट और एक रैशनल पार्ट तो इंटीग्रल पार्ट पहली ब्रैकेट में फिर न्यू ब्रैकेट पिछला सम किया था ना हमने वन प्लस रेट ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड लिख दो 12 by 100. तो यहाँ पे रैशनल पार्ट है टाइम का वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है ऊपर वन हो गया अच्छे टू और पावर क्या हो जाएगी वन हो जाएगी ये कट हो रहे हैं फोर के टेबल पे यहाँ थ्री यहाँ ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यहाँ ट्वेंटी फाइव एल्सियम आ गया ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री यहाँ पे सिक्स यहाँ थ्री आ गया फिफ्टी आ गया फिफ्टी थ्री फिफ्टी प्लस थ्री हो जाएगा ना नावी थ्री जीरो से जीरो काट दो अब 5 से कट किया सॉरी फिफ्टीन uh, और साथ में टू जीरो के पे 60, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा बोलिए हाँ तो अमाउंट आ जाएगी वेन कंबाउंडेड एनुअली पहला पार्ट दूसरा <laughs> कंबाउंडेड हाफ ठंड पर है ना मैं ना तो आ, हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा रेट अगर आज सिक्स डिवाइड मैंने सीधा सिक्स परसेंट हाफ ईयरली लिख दिया टाइम हाँ क्या हो जाएगा का मतलब हाँ सर। क्या करेंगे हाफ से मल्टीप्लाई। तो थ्री हाफ ईयर्स आ जाएंगे यहाँ ईयर्स मत डाल देना हाफ ईयर्स लिखा जाएगा तो यहाँ पे अमाउंट वही सेम फॉर्मूला प्रिंसिपल वन प्लस रेट रेट कितना अभी सिक्स वाला यूज करेंगे अपॉन हंड्रेड्रेड टाइम थ्री यूज होगा हो जाएगा कैलकुलेट बेटा कर लोगे आगे हाँ सर आराध्यान विशा संग्राम yes, हो yes. जाएगा ना यस सर नाउ यस सर रीच ऑन क्वेश्चन नंबर सेवन जी सेवन इन्वेस्टेड रुपीट पर एन एम कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द अमाउंट रिसीव बाई हिम एट द एंड ऑफ टू ईयर इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर कल भी हमने एक सम किया था पहले परसों को <coughs> इस टाइप का करवाऊ बेटा कि अपने आप ट्राई करोगे ये बताओ मुझे टू ईयर के अमाउंट निकाल लेंगे टू ईयर की अमाउंट निकल जाएगी ना उसके बाद थर्ड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट चलो मैं कर ही देता हूं प्रिंसिपल रुपी टेन थाउजेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेवन परसेंट पर एन एम सेवन परसेंट पर एन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है आगे क्या लिखा है टाइम कितना दिया है हमें टू ईयर पहले हमने टू ईयर यूज करना है तो अमाउंट का फॉर्मूला वही बेटा प्रिंसिपल वन प्लस रेट ओवर हंड्रेड की पावर टी प्रिंसिपल टेन थाउजेंड वन प्लस रेट सेवन अपॉन हंड्रेड टाइम टू यहां टेन थाउजेंड आ जाएगा हंड्रेड हंड्रेड प्लस सेवन होल स्क् टेन थाउजेंड इंटू वन हंड्रेड सेवन अपॉन हंड्रेड इंटू वन हंड्रेड सेवन अपॉन हंड्रेड दोनों जीरोज दोनों जीरोज वन हंड्रेड सेवन को रफ वर्क में वन हंड्रेड सेवन से मल्टीप्लाई करो रुपी इलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी नाइन ये टू ईयर की अमाउंट नाउ जो टू ईयर की अमाउंट है बेटा वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा ना क्योंकि उन्होंने देखो क्वेश्चन में मेंशन किया है ना इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर नाउ प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर ऐसे मेंशन कर देना इज अमाउंट ऑफ टू ईयर दैट इज रूपी 11,449. थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही होगा थर्ड ईयर का मल्टीप्लाई से करो सेवन नाइनजा थ्री सिक्स कैरी ट्वेंटी फोर थ्री कैरी ट्वेंटी एट थ्री थर्टी वन थ्री कैरी सेवन थ्री टेन वन कैरी एट अपॉन हंड्रेड तो क्या आ गया हमारे पास रुपी 8,114.30 ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया बेटा सर, सर, यस मतलब दिस इज द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर देयरफॉर फोर यहां पे ऐसे प्रॉपर मेंशन कर देंगे इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज रुपी एट थाउजेंड फोर्टीन पॉइंट थ्री जीरो ठीक है बेटा समझ आ गया सेवन सम अब जो एट्थ सम है वो डिफरेंट है एट मनी वट अमाउंट टू दिस इन थ्री ईयर एट फाइव परसेंट पर एन एम कंपाउंड इंटरेस्ट वट टू दिस इन थ्री ईयर दिस इज द अमाउंट नॉट प्रिंसिपल वट प्रिंसिपल वी फाइंड प्रिंसिपल हमने फाइंड करना uh, है टाइम कितना दिया है थ्री इयर्स गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फाइव परसेंट पर एन एम है रुपी नाइन टू सिक्स वन गिवन है अमाउंट के प्लेस पे अमाउंट का फॉर्मूला लिख दो पी वन प्लस आर ओवर हंड्रेड की पावर टी फिजिकल टू नाइन टू सिक्स वन प्रिंसिपल वी वन प्लस रेट फाइव अपॉन हंड्रेड पावर थ्री रेट ये रहा फाइव टाइम ये रहा आर के प्लेस पे फाइव आ गया टी e थ्री था टाइम के प्लेस पे थ्री आ गया या ट्वेंटी एल्सियम आ गया ट्वेंटी प्लस वन होल्ड एज टू पावर थ्री नाइन टू सिक्स वन पे ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी का क्यूब नाइन टू सिक्स अब ट्वेंटी वन का क्यूब करेंगे 21 21, 441. 441 को 21 से करेंगे तो नाइन टू सिक्स वन ही आ जाएगा और ट्वेंटी का क्यूब एट थाउजेंड आएगा नाइन टू सिक्स वन अब प्रिंसिपल फाइंड करना है नाइन टू सिक्स वन इंटू एट थाउजेंड और नाइन टू सिक्स वन नीचे आ गया प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास रुपी एट थाउजेंड दिस इज गया बेटा ये पता चला बेटा यस नाउ नाइन्थ सम सेम क्वेश्चन बट बस हाफ ईयरली लिख दिया व्हाट सम ऑफ इन्वेस्टेड फॉर वन एंड हाफ ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली

कितना आ गया फोर परसेंट हाफ अमाउंट हमें गिवन है कितना फोर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट अब रेट टाइम ये यूज करना है रेट यूज ये यूज करना है प्रिंसिपल वन प्लस रेट फोर यूज करेंगे अपॉन हंड्रेड की पावर टाइम थ्री यूज करेंगे इज इक्वल टू वन फोर जीरो सिक्स जीरो एट पी फाइंड कर लोगे बेटा यहां से सेम टू सेम इसी मेथड से हो जाएगा ना कैलकुलेशन है सिर्फ कर लोगे नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर टेन एट वट रेट परसेंट विल रिपीट टू थाउजेंड अमाउंट टू दिस एट वट रेट नाउ रेट वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल गिवन है अमाउंट गिवन है थ्री ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी गिवन है रुपी 2000 टाइम कितना गिवन है थ्री इयर्स अमाउंट क्या गिवन है रुपी 2 3 1 5.25 अमाउंट की प्लेस पे इसका फॉर्मूला डेसिमल हटा लो इसका नीचे हंड्रेड आ जाएगा प्रिंसिपल की प्लेस पे उसकी वैल्यू टू थाउजेंड था फिल कर दिया रेट हमने फाइंड करना है टाइम के प्लेस पे थ्री आ जाएगा टू थ्री वन फाइव टू फाइव अपॉन हंड्रेड अब वन प्लस आर ओवर हंड्रेड की पावर थ्री को ऐसी रहने दो इसका कुछ नहीं करना हमने अभी टू थ्री वन फाइव टू फाइव हंड्रेड नीचे था टू थाउजेंड चला गया नीचे चला गया सबसे पहले इसको ट्वेंटी फाइव के टेबल पे कट करो यहाँ फोर आ गया यहाँ पे देखो कितना आ गया ट्वेंटी फाइव के टेबल पे ट्वेंटी फाइव नाइन सा टू ट्वेंटी फाइव सिक्सटी फाइव टू जार फिफ्टी वन फिफ्टी टू सिक्स वन आगे कट हो नहीं रहा तो वन प्लस आर ओवर हंड्रेड का क्यूब किसके इक्वल आ गया नाइन टू सिक्स वन फोर टू जार एट थाउजेंड अब मुझे ये बताओ इस साइड पावर थ्री है नाउन नाइन टू सिक्स वन अभी किया था हमने किसका क्यूब होता है अगर लेफ्ट साइड में पावर थ्री है ना तो राइट साइड में भी कोई को ना कोई ऐसा नंबर होगा जिसकी पावर थ्री बनेगी किसका था बेटा ये ट्वेंटी वन का और ये एट थाउजेंड किसका है ट्वेंटी का और पावर क्या आ जाएगी थ्री आ जाएगी ये समझ आया बेटा सबको आराध्या हाँ सर अनवेशा yes. अन्वेशा? yes. अन्वेशा आगे यस yes, सर अब देखो इस साइड भी पावर थ्री है इस साइड भी पावर थ्री है एक लाइन लिखेंगे क्या कंपेयरिंग बोथ साइड्स दोनों साइड्स को कंपेयर किया पावर इक्वल है तो बेस भी क्या होंगे इक्वल वन प्लस आर ओवर हंड्रेड किसके इक्वल आ जाएगा ट्वेंटी वन ओवर ट्वेंटी के अब आर बाय हंड्रेड अपने प्लेस में 21 upon 20 पहले वन उस साइड जाके माइनस होगा r by 100 किसके इक्वल आ गया 20 एलसीएम आ गया 21 minus 20 what we get r by 100 is 1 upon 20 and r we get 1 upon 20 into 100 5 तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 5% पर एनम आ गया दिस इज द आंसर आया समझ बेटा लग गया पता बच्चे किसी को डाउट कोई समय नो सर नाउ इलेवन सम इलेवन सम में सेम क्वेश्चन है फोर्टी थाउजेंड अमाउंट टू दिस प्रिंसिपल पता है अमाउंट पता है टाइम वन एंड हाफ ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो टाइम को वही सेम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब वाला पार्ट खत्म हो जाएगा थ्री हाफ ईयर आ जाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइन करना है कर लोगे बोलो बेटा yes, कर लोगे लो ना अब ट्वेल्थ सम इन वट टाइम टाइम फाइन करना है दिस अमाउंट टू दिस पहले हमें रेट की रेट फाइंड करना था टाइम फाइंड करना है ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट है कंबाउंड इंटरेस्ट ट्वेल्थ विल रुपी दैट इज प्रिंसिपल फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फोर परसेंट पर एन एम पे अमाउंट कितना बन जाता है रुपी फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अमाउंट के प्लेस पे उसका फॉर्मूला वन प्लस आर ओवर हंड्रेड कि पावर टी इज वन फाइव सिक्स टू फाइव प्रिंसिपल की वैल्यू फिर सॉरी अमाउंट मैंने गलत लिख दिया डेट इज सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स प्रिंसिपल से प्लेस पे इसकी वैल्यू फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी फाइव वन प्लस रेट के प्लेस पे उसकी वैल्यू फोर बाई हंड्रेड पावर टी वन सेवन फाइव सेवन सिक्स अब ये दोनों कट हो रहे हैं बेटा ट्वेंटी फाइव वन फाइव सिक्स टू फाइव यहां ट्वेंटी फाइव एल सी आ गया ट्वेंटी फाइव प्लस वन पोल की पावर टी वन सेवन फाइव सेवन सिक्स अब यहाँ ट्वेंटी सिक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव की पावर टी आ गया किसके इक्वल वन सेवन फाइव सेवन सिक्स अपॉन वन फाइव सिक्स टू फाइव आ गया ना ये कट नहीं हो रहे इस साइड बेस क्या है ट्वेंटी सिक्स बाय ट्वेंटी फाइव तो इस साइड राइट साइड में भी बेस ट्वेंटी सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव ही बनेगा करके देख लो ट्वेंटी सिक्स को थ्री टाइम मल्टीप्लाई यही आएगा ट्वेंटी 25 25 25 25 देख लो यही आएगा ठीक है मतलब उस टाइम क्या था पावर सेम थी तो बेस इक्वल किए थे अब बेस इक्वल आएंगे और पावर्स को इक्वल करेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड से एक लाइन लिखनी है बीच में व्हाट वी गेट टाइम इज

ट्राई कर लेना नहीं निकलेगा तो बेटा मुझसे पूछ लेना ओके सर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है सलीना में से ये बताओ पहले तो हमने कौन सा किया था सलीना में से कौन सा कर लिया था बेटा प्रॉफिट लॉस किया था कि क्या किया था याद ही नहीं आ रहा सर्कल्स किया था ना नहीं सर्कल तो इसमें से ही किया था सालीना में से कौन सा चैप्टर किया था बेटा हमने लास्ट लीनियर इक्वेशन हाँ के बाद, हमारे पास आ जाती है अंडरस्टैंडिंग शेप्स अब इसमें चैप्टर कौन कौन से रह गए पहले तो ये देखने रैशनल नंबर हो गया इसमें से एक्सपोनेंट स्क्वायर एंड क्यूब प्लेइंग विद नंबर्स सेट हो गया परसेंटेज प्रॉफिट लॉस नहीं किया है ना हमने की कर लिया था सर सेली ना मैं सर नहीं हुआ थे नहीं हुआ प्रॉफिट लॉस कौन सा बेटा आराध्या आवाज सर रेशनल नंबर आई थिंक नहीं हुआ है रेशनल नंबर तो फर्स्ट चैप्टर है वो तो तो, तो हो गया हुआ होगा हो नहीं सकता ना हुआ बहुत हो बहुत टाइम हो गया ये तो किया हुआ है हां टिक्स लगेंगे मेरे पास कोई बात नहीं वो तो रिवाइज हो जाएगा बाद में Uh, उसके बाद इंटरेस्ट वाला डायरेक्ट एंड इनवर्स इक्वेशन अल्जैबरा पार्ट हमारा सारा हो गया है ना और नंबर सिस्टम सारा हो गया रेशो एंड प्रपोशन वाले पार्ट में हमें हमारा पड़ा है और ज्योमेट्रिकल पार्ट पढ़ा है तो अभी ज्योमेट्री शुरू करनी है कि पहले वो खत्म करें रेशो एंड प्रोपोर्शन जल्दी बोलो बोलिए राधिया कौन सा करना है सर रेशियो प्रपोर्शन रेशियो एंड प्रपोर्शन में बेटा परसेंटेज एंड परसेंटेज परसेंटेज कर लिया था हमने कर लिया था ना यस सर प्रॉफिट लॉस भी हो चुका है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने कंप्लीट कर लिया था यस yes, सर इसके बाद आ गया हमारा इंटरेस्ट ही है उसमें भी चैप्टर उसमें से भी इंटरेस्ट करने बेटा नेक्स्ट हम्म यस सर क्योंकि अभी फ्रेशली किया है तो इजीली समझ आ जाएगा जल्दी जल्दी yes, दो दिन में हो जाएगा दो या तीन दिन में ये फिनिश हो जाएगा ओके okay? <laughs> चलो एनएफए बेटा आज के लिए ओके बाय बाय सर